एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आजकल ड्रग्स की रेड के बजाय दूसरे मामलों को लेकर सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। अब उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। उन पर रिश्वतखोरी के जो आरोप लगे उसकी जांच मुंबई पुलिस ने 4 अधिकारियों की टीम को सौंप दी है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिलीप सावंत की देखरेख में ये जांच होगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम पहले से इस मामले को देख रही है। बुधवार को वानखेड़े से 4 घंटे तक पूछताछ भी हुई थी। असल में मुंबई के 4 थानों में समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोप में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। अब इन 4 थानों में दर्ज शिकायतों को मिला दिया गया है। ये सभी शिकायतें अब माता रामाबाई अम्बेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में सुनी जाएंगी। जांच टीम के 4 सदस्यों में से एक एक आजाद मैदान और कोलाबा पुलिस स्टेशन से रहेगा, बाकियों में एक मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल से होगा और एक साइबर सेल से। समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में प्रभाकर सेल, सुधा द्विवेदी, कनिष्क जैन और नितिन देशमुख ने 4 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें प्रभाकर सेल वो शख्स हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह हैं। पिछले हफ्ते सेल ने एफिडेविट फाइल करके दावा किया था कि उन्होंने एक दूसरे गवाह को केपी गोसावी और सैम डिसूजा को 25 करोड़ रुपए लेकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने की प्लानिंग करते सुना था। प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने थे, जो आर्यन खान केस के इंचार्ज हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मंगलवार यानी कि 26 अक्टूबर की सुबह ट्विटर पर एक चिट्ठी शेयर की थी। उनके मुताबिक ये एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें लिखी है। 4 पेज की इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे से मुलाकात भी की थी। समीर वानखेड़े पर उठ रहे सवालों को लेकर उनकी पत्नी क्रांति रेडकर लगातार बचाव में सामने आ रही हैं। अब क्रांति ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी करके न्याय मांगा है। कहा है कि शिवसेना के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। क्रांति ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि बचपन से ही मैं मराठियों के हक के लिए लड़ने वाली शिवसेना को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। बाला साहेब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी से सीखा कि किसी पर अन्याय करो मत, खुद पर अन्याय सहो मत। उसी के मद्देनजर आज मैं अकेले मेरे निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूँ और लड़ भी रही हूँ। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग सिर्फ मजा देख रहे हैं। मैं एक कलाकार हूँ, राजनीति की मुझे समझ नहीं है और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। समीर की पत्नी क्रांति ने चिट्ठी में आगे लिखा कि हमारा कुछ भी संबंध न होते हुए रोज सुबह हमारी इज्जत उतारी जाती है। शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। आज वो नहीं है पर आप हैं, हम उनकी परछाई आप में देखते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए एक मराठी होने के नाते मैं आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आपसे विनती है कि न्याय करें। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।